दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। आज हमारे पास एक 32 इंच का LED TV आया हुआ है। किस तरीके से उसको हमें रिपेयर करना है, सारी डिटेल आप लोगों को मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमारे पास 32 इंच का एक LED TV आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मल 32 इंच का LED TV है ये स्मार्ट। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो डिस्प्ले है वो टूट चुका है पूरी तरह से। कोई यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई नुकीली चीज़ या कोई यहाँ पे ठोकर लगी है, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे ब्रोकन है। कुछ डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी जो डिस्प्ले है वो टूटा हुआ है। तो इस तरीके के पैनल को हमको किस तरीके से चेंज करना है या रिपेयर करना है, वो डिटेल आप लोगों को मैं वीडियो में दूंगा। कई वीडियोस में मैंने देखा है कि आप लोगों ने देखा होगा, कई यूट्यूबर्स या कई लोग आप लोगों को बोलते हैं कि टूटा हुआ जो पैनल है वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी मशीन अभी तक नहीं है या ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसकी सहायता से आपका जो टूटा हुआ पैनल है, चाहे वो 24 इंच का, चाहे वो 32 इंच का, चाहे वो 43 इंच का, कोई भी पैनल जो है वो रिपेयर नहीं होता है। पैनल सिर्फ इसका हम चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले नया डाल के, या अगर आपके पास कोई ओल्ड डिस्प्ले है वो आपके LED में डाल के सेम रेजुलेशन का आप इसको रिपेयर कर सकते हैं LED TV को। जो पैनल टूटा हुआ है ये रिपेयर नहीं होता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, इसका जो डिस्प्ले है हम नया चेंज कर सकते हैं, चाहे वो 24 इंच का TV है, चाहे वो 32 इंच का TV है, चाहे वो 43 का या उससे बड़ा TV है। तो कोई भी डिस्प्ले है, चाहे वो LED TV का है, चाहे वो मॉनिटर TV का है, चाहे वो आपका मोबाइल का टूटा हुआ है, तो इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, आप इसका चेंज कर सकते हैं इसको। तो इसको किस तरीके से हमें चेंज करना है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम इसको पहले ओपन करेंगे, देखते हैं इसके अंदर कौन सा पैनल लगा हुआ है। चलो, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका मेन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है एंड्रॉयड। इसका यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे 32 इंच का इनोलेक्स का डिस्प्ले लगा हुआ है। इनोलेक्स कंपनी का ये पैनल इसके अंदर है, सिंगल कोव का पैनल है, जिसका नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, V320BJ8 ये इसका नंबर है। और सिंगल कोव ये इनोलेक्स का पैनल है, 13768 non HD ये पैनल है। तो इसके अंदर अभी हम लोग BOE का एक पैनल है मेरे पास, वो हम लोग इसमें डालेंगे, और किस तरीके से उसको डालना है सारी डिटेल आप लोगों को दूंगा मैं। यहाँ पे हमने इसका जो फ्रेम है वो निकाल दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंगल कोफ का पैनल है ब्रोकन हमारा, इसको हम निकालेंगे पहले पैनल को। इस पैनल को जो ब्रोकन पैनल है हमारा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टूटा हुआ पैनल है, इसको हमने निकाल दिया है। अभी हमारी जो रिफ्लेक्टर शीट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओके है बिल्कुल। इसको अच्छे से आपको देख लेना है, कई बार TV टूटता है तो ये जो रिफ्लेक्टर शीट है ये भी टूट जाती है, ये भी हमें चेंज करनी पड़ती है। और इसमें कोई कचरा या कोई यहाँ पे टेप का जो टुकड़ा है वो ना रह जाए। यहाँ पे हमने देख इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है पहले। यहाँ पे हमने ये एक मेरे पास चार कोफ का पैनल है जो हमने इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया है। इसकी यहाँ पे दो साइड कोफ है, और इसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसके अंदर फिटिंग किया है। अब इसका जो फ्रेम है हम वो लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हमने फ्रेम को अच्छे से लगा दिया है इसके ऊपर। अभी हम इसको चला के चेक करेंगे पहले। यहाँ पे हमने पैनल को इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, LVDS लगा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो लोगो है वो उल्टा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारा जो पिक्चर है वो मिरर है, इसके अंदर उल्टा पिक्चर आ रही है। तो इसको किस तरीके से हमें सेट करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा।
यहाँ पे हमको मेनू दबाना है 1147। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो सर्विस मेनू है वो ओपन हो गया है। हमको नीचे इसका पैनल सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, पैनल सेटिंग में हमको आना है। पैनल सेटिंग पे ओके करना है और हमको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मिरर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे मिरर पे नॉर्मल है, इसको हमको नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम इसको अप डाउन करेंगे तो हमारा जो पिक्चर है वो आप देख पाएंगे, बिल्कुल सही सीधा हो गया है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर मिरर भी सेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसका जो पैनल है वो चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टूटा हुआ जो पैनल रहता है वो रिपेयर नहीं होता है, उसकी जगह पे हमें नया पैनल ही इंस्टॉल करना पड़ता है। चाहे वो 24 इंच का टीवी है, चाहे वो 32 इंच का टीवी है, चाहे वो 43 या उससे ऊपर का टीवी है। तो इस तरीके से हमने इसका जो पैनल है वो चेंज किया है, रिप्लेसमेंट किया है। जो पैनल रिपेयर की जो बातें हैं वो, जो टूटा हुआ पैनल है उसको रिपेयर आप नहीं कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि पूरी जानकारी आप लोगों को आज देने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।